बीएड के कैंडिडेट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं वो बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने कॉलेज हैं, उसकी लिस्ट पिछले साल भी डाली थी, इस बार साल भी डाल देता हूँ। तो उसमें एक कॉलेज मिस हो जाता है जो गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ में है, उसमें एडेड कॉलेज भी एक है, देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 100 सीट दोनों में है। दूसरा वो चंडीगढ़ में है, ये सबसे डिफरेंट बात है। तो पंजाब के लिए 22,000 सीट्स के लिए, 22,000 सीट्स हैं लगभग पंजाब में, 22,000 सीट्स के लिए, इसको बड़ा कर लें ऐसे थोड़ा सा, ये ऐसे रहेगा सही, लगभग 22,000 सीट्स हैं, तो उसके लिए कंपटीशन कितना रहता है, लगभग 18,000 कैंडिडेट पिछली बार लगभग इतने हुए हैं, 19,000 लगा लीजिए अगर बाद में मैनेजमेंट कोटा लगाने हैं, एग्जैक्ट भी बता दूंगा कितने रहे हैं। तो ये कंपटीशन क्या है कि जितनी सीट्स है उससे कम कैंडिडेट हैं, तो कंपटीशन किन के लिए, जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज या ऑड कॉम्बिनेशन या डिस्टेंस के लिए जाना, ये बार बार बता चुका हूँ। लेकिन चंडीगढ़ में यूनियन टेरिटरी के लिए ये 100 एक कॉलेज में है, 100 दूसरे कॉलेज में है, और योगा की योगा बीएड की मेरे ख्याल में 40 सीट्स हैं और 30 सीट्स हैं जो स्पेशल बीएड है, स्पेशल एजुकेशन की, मैं इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों के लिए 30 सीट्स इनके हैं। मैं यहाँ पहले इनकी बात करने लगा हूँ, ये इनके साथ मैच करती हैं, ये रेगुलर या नॉर्मल बीएड ये वाली है। तो चंडीगढ़ में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, देख सकते हैं यहाँ पर, अच्छा ये डिवीज़न की भी हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो सेक्टर 20D में है, बीएड 100 सीट्स हैं, और देव समाज के लिए गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी के लिए जो जिन्होंने करनी है 30 सीट्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन हेल्थ सेक्टर 23A चंडीगढ़ योगा की हैं, ब्रह्म ऋषि योगा ट्रेनिंग कॉलेज सेक्टर 19A। देखिए जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने योगा की पोस्ट निकाली थी तो जिन्होंने ये किया था वो ईज़िली जो है फिट हो गए, 25,000 ले रहे हैं सीधे। तो ये 270 सीट्स हैं, इनकी यहाँ बात करें तो कंपटीशन ज़्यादा है। इनकी डिवीज़न वो देखना है कि पिछले साल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये डिवीज़न कैसे है, पेपर कैसे होता है, यूटी पूल का डिफरेंट होगा, पंजाब का डिफरेंट होगा, ये मैं बता दूं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ लेगी पंजाब की 22,000 सीटों का, लेकिन इनका भी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ही लेगी, 150 क्वेश्चन होते हैं उनके, लेकिन इनके 120 होते हैं, सिलेबस लगभग सारा सेम है, सिलेबस अलग से डिस्कस कर देते हैं। तो जितनी भी मेरी वीडियो हैं जहाँ मैंने ऑनलाइन कोर्स करना है वो एग्जैक्ट इनके लिए 100% सूटेबल है। तो वो थोड़ा सा पेड कोर्स होगा, सस्ता कोर्स होगा, जो उन उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। मेरे पिछले वीडियो काफ़ी जो टीचिंग पोटेंशियल पर है सारे आपके काम के लिए, मतलब आपके लिए यूज़फुल हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज के हैं, करंट अफेयर को छोड़ के, इसके अलावा मेंटल एबिलिटी के हैं, पंजाबी और इंग्लिश के हैं, ऐसे ही यूटी पूल के लिए जो बीएड हो करनी है जिन्होंने देव समाज या गवर्नमेंट कॉलेज जो चंडीगढ़ है वहाँ पर, उनके लिए भी यही सिलेबस सेम होगा, लेकिन उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए टीच करना चाहता हूँ, रेगुलरली आपको रोज़ कुछ क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व करोगे आप, उनकी राइट और रॉन्ग सिस्टम बताएगा और इसके एक्सप्लेनेशन आएगी, फीडबैक मिलेगी, उस फीडबैक के बेस पर फर्दर जो होगी आपको गाइडेंस दी जाएगी इम्प्रूवमेंट के लिए, डाउट सेशन लगाए जाएंगे आप गवर्नमेंट जॉब की एलिजिबिलिटी के लिए, एडिशनल पेपर के लिए, वो ये डाउट है, ये ऑनलाइन क्लासेस से ही बेस्ट रहेगा। तो वो पेड कोर्स होगा, जिस जो भी इंटरेस्टेड होगा वो कमेंट करके बता सकता है कि हम इंटरेस्टेड हैं। तो बाकी की गाइडेंस भी बीएड के साथ चलती रहेगी, उसके बाद आपका एक ग्रुप बन जाएगा, जो आपका ग्रुप है बाद में वो 2 साल ग्रुप साथ में चलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी चलेगा, जो आप में लर्निंग एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो ये यूटी पूल के जो 2 डिवीज़न की गई हैं, वापस आ जाएं, 60% जो सिर्फ चंडीगढ़ में पढ़े हुए हैं, मिनिमम 2 साल रेगुलर उन्होंने ग्रेजुएशन के किए हुए हैं और चंडीगढ़ एरिया से, उस एडमिनिस्ट्रेशन के एरिया से ही पढ़े हुए हैं। दूसरा है जनरल पूल, वो जो कहीं से भी इंडिया से पढ़ा हुआ हो वो, ये उनकी 40% सीट्स होंगी। तो जनरल कैटेगरी की पिछली बार
आप देख लीजिए, एक कॉलेज में यूटी पूल की 66 सीट, इसमें 60 इसमें, और जनरल की कितनी कम हो गई, क्योंकि वो उन जनरल कैटेगरी के बच्चे 765 अपियर हुए थे पिछले साल, और एससी के 224, और जनरल के जनरल पूल से चंडीगढ़ के बाहर के इलाके से ये 132 थे, और एससी थे 56। ऐसे ही एससी और अदर कैटेगरीज भी हैं, आप देख सकते हो लगभग ये 900 के करीब जनरल कैटेगरी के बन गए, और उनकी सीट आधी 100 के करीब, 110 के करीब, अभी डिवीज़न नहीं मैंने पढ़ी, तो ये 9 गुना कैंडिडेट अधिक हैं वहाँ, दैट इज़ वाई वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। अच्छा, जनरल कैटेगरी के पिछली बार मार्क्स कितने रहे हैं, टॉप 120 में से 76 टॉपर ने लिए हैं, और लोएस्ट कितने रहे हैं, 26। इट मीन्स कि काफ़ी बच्चे तैयारी नहीं करते, उनको तैयारी की ज़रूरत है, लेकिन अगर यहाँ पर सीट चाहिए तो आपको कंपटीशन में जाना होगा। पंजाब के बच्चों के लिए उतना कंपटीशन नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ वालों के लिए है। इसका सिलेबस से एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, आपकी एलिजिबिलिटी आप क्वेश्चन कीजिए जो चंडीगढ़ में लेना चाहते हैं। इसके अलावा योगा और उनका एंट्रेंस टेस्ट ऐसे इकट्ठा ही होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाल दूंगा चंडीगढ़ के जो लग हैं। अच्छा, जो चंडीगढ़ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वही काम आएंगे आईटेप के भी, वो बच्चों के प्लस टू के बाद जो इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं उनके भी काम आएंगे, और पंजाब के लिए जो कम्पीट कर रहे हैं 22,000 सीट्स के लिए, तो 2 साल की बीएड है जो, उनके भी वो पेपर काम आएंगे, तो वो भी डिस्कस कर दूंगा। हाँ, वो पेपर एलएमएस सिस्टम के ज़रिए भी हम करेंगे, तो इसके रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन हो आप पूछ सकते हो। ये सिर्फ बेसिक था जो चंडीगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज या देव समाज कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।